नाउ दूसरी बात, संधि महर्षि जी ने एक और बात कही है कि हमें जो हस्तक्रिया है उसको एक्सेसिव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर हम कुछ भी करते हैं इस दुनिया की कोई भी चीज़ हम अगर हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो चीज़ गलत होती है आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो गलत हो जाता है आपके लिए। बट ये पॉइंट भी अकॉर्डिंग टू हस्तक्रिया गलत है यहाँ पे संदीप महेश जी का। क्यों? क्योंकि एक्चुअली रियलिटी ये है कि जो हस्तक्रिया की प्रॉब्लम है उसमें आप जितना आप इसको करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको डिजायर्स पैदा होती हैं। आपने एक दिन किया तो आप उसको करने का मन करता है आपका दोबारा तिबारा, एंड पूरा साल बर्बाद कर देते हैं आप इसको करते करते। आपको पता भी नहीं लगता कि आपने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, जहाँ पे आप वो एनर्जी अपना जो पावर है उसको कहीं और यूज़ कर सकते थे, रीडिंग करने में चाहे कुछ भी अपने लाइफ का कुछ और काम करने में वेस्ट कर सकते थे। बट नो, आपने वो पावर कहाँ वेस्ट कर दी? हस्तक्रिया करने में दोस्त। एक्चुअली वन मोर एग्जांपल संदीप महर्षि जी ने दिया था, और वो दिया था कि अगर आप ये हस्तक्रिया से बोर होना चाहते हैं या फिर पॉर्न एडिक्शन से बोर होना चाहते हैं तो आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको चिकन बटर आपकी प्रॉब्लम है कि यार आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है तो आप इसको रोज़ खाओ, सुबह शाम दिन भर हमेशा रोज़ खाते रहो तो आप इसको अगले हफ्ते से खाने का मन भी नहीं करेगा आपका। ये कहते हैं एग्जांपल। बट दोस्त रियलिटी है कि हर एक एग्जांपल इस दुनिया में हर जगह फिट नहीं बैठता है यार। हम कोई भी एग्जांपल कहीं पर भी बैठा देते हैं बट ये एग्जांपल यहाँ पर फिट बैठता ही नहीं है दोस्त। जो ये हस्तक्रिया पॉर्न एडिक्शन जो ये प्रॉब्लम है ये एक्चुअली एडिक्शन है, इनको मानना पड़ेगा आपको कि एडिक्शन है। और ये एडिक्शन जो दारू की लत है और ड्रग्स की लत है, इन घटिया लतों से भी बहुत ही घटिया लत ये पॉर्न एडिक्शन एंड हस्तक्रिया की एडिक्शन है दोस्त। और जो एग्जांपल इन्होंने दिया था वो यहाँ पे फिट क्यों नहीं बैठता है? वो फिट यहाँ पे इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि आप यहाँ पे जितना ज़्यादा हस्तक्रिया करते हैं, मान लिया आपने एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, वो कहते हैं कि अगर आप एक हफ्ते तक लगातार कर देते हैं देन वो कहते हैं कि अगले हफ्ते से आपका मन नहीं करेगा इसको करने का। बट ये अकॉर्डिंग टू हस्तक्रिया यहाँ पे बिल्कुल गलत है दोस्त। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बनते जाती है, मीन्स आप जितना करते हैं आपको उतना करने का मन करता है दोस्त। तो यहाँ पे ये एग्जांपल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि यार आप हस्तक्रिया करो जम के, ये नेचुरल नहीं है दोस्त। रियलिटी समझो, ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये बस एक जो आपका वीर्य है, जो पावरफुल वीर्य है वो उसका घाटा है आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से उसका जा रहा है वो चीज़, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्त। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहते हैं